आजमगढ़ जिले के जीनपुर थाना क्षेत्र के आजमगढ़ ब्लॉक में स्थित कंपोजिट विद्यालय छपरा सुल्तानपुर में अनुपस्थिति व स्कूल के पठन पाठन कार्यों को लेकर अध्यापक विजय कुमार सिंह स्कूल के इंचार्ज श्रीमती रीता तिवारी को मारने के लिए दौड़ाने लगे और गाली गलौज देते हुए मारने का भरपूर प्रयास किए। इस दौरान मौके पर मौजूद अध्यापकों ने अध्यापक विजय सिंह को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इतना ज्यादा गुस्से में थे कि अगर उस वक्त स्कूल के इंचार्ज को अपने हाथों में पा जाते थे तो न जाने उनके साथ क्या क्या करते थे। इन सभी वारदातों के बारे में जब स्कूल के इंचार्ज रीता तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अध्यापक विजय सिंह का यह हरकत रोज का है। वह स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं और बच्चों को ठीक ढंग से भी नहीं पढ़ाते। उनका व्यवहार स्कूल के अंदर सही नहीं है और रोजाना आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कर दिया। स्कूल के सारे अध्यापक डरे हुए हैं और कोई भी अध्यापक उनके साथ स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। उस दिन जब हम अपना क्लास में चटाई बिछा रहे थे, वो अपना आए साइकिल खड़ा किए और सीधे क्लास में जा करके अपना गाली गलौज करने लगे। हम जान भी नहीं पाए कि क्लास में आ रहे हैं और ये ऐसा करेंगे। उनका रजिस्टर जो है डिप्टी साहब के आदेशानुसार खाली कालम सहित उनका उपस्थिति भेजा गया था, वही डिप्टी साहब उनके मोबाइल पर भेज दिए और वही उनके दिमाग में था कि कहाँ हमार ये क्यों हमारा भेजी थी। चार दिन पाँच दिन पर आएंगे, अपना दस्तखत कर लेते हैं, छुट्टी चढ़ाने पर भी गाली गलौज करते हैं, ईंटा पत्थर चलाते हैं और खाली कालम छोड़ दो तब भी गाली गलौज करते हैं, तो आखिर किया क्या जाए। और ये सब बताने पर भी ABSA को उनके द्वारा कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। वो गाली गलौज हमेशा देते हैं, उस दिन बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, वो गाली गलौज हमेशा देते थे और आदमी बर्दाश्त करता था और ABSA को बताता था, लेकिन ABSA ने कोई उसका एक्शन नहीं लिया। आज ले लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। सरकारी स्कूल के अंदर और बच्चों के सामने इस तरह से करना कितना सही रहेगा? अब वो तो अधिकारी ही बताएगा ना कि ये सब सही है कि नहीं सही है। बच्चे संख्या भी कम हो जाएगा, वो बच्चों के साथ भी इसी तरह का करते हैं। अगर बच्चा कोई उनके सामने से गुजर जाए तो उसको भी पकड़ के मारते हैं। पहले भी उनके कुछ ऐसे हरकतें हैं? पहले दो साल जब से कंपोजिट हुआ तब से ऐसा इनका हरकत है। वो सभी अध्यापक के साथ गाली गलौज कर चुके हैं, किसी को बिना गाली का रखे ही नहीं है। और ये सब जानकारी ABSA को है कि गाली गलौज करते हैं, ईंटा पत्थर चलाते हैं, मारपीट करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाए, या तो हम ही लोगों को सब पूरे स्टाफ को हटा दिया जाए। वहीं इन सब विवादों को लेकर जब अध्यापक विजय कुमार सिंह से पूछा गया तो वह मौजूदा इंचार्ज श्रीमती रीता तिवारी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि वह मुझे रोजाना प्रताड़ित करती हैं, जो मेरा हक है वो मुझे नहीं मिलता, स्कूल के अंदर अपनी मनमानी चलाती हैं, या लोग खुद स्कूल नहीं आते समय से और न ही स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाई करते हैं, बस मुझे प्रताड़ित करते हैं और आए दिन मुझ पर व्यंग कसती रहती हैं, जिससे मैं दिमागी रूप से परेशान हूं और मुझसे यह सब सहा नहीं जाता है। यह लोग जब स्कूल से गायब रहते हैं तो इनकी अनुपस्थिति नहीं लगती है, लेकिन जब मैं स्कूल में गैर हाजिर रहता हूं तो मेरी अनुपस्थिति लगती है और छुट्टी मांगने पर मुझे छुट्टी नहीं दिया जाता है। मेरी अनुपस्थिति लगाकर उसका फोटो निकालकर शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है। इस तरह से मुझे आए दिन स्कूल में प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से मेरे द्वारा इस तरह की घटना घटी है। विजय कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय छपरा सुल्तानपुर द्वितीय, शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़। मामला यही है कि प्रताड़ित करती हैं, जबरदस्ती करती हैं हमारे अधिकार पर, जो चीज़ हमको मिलना चाहिए उस पर जो है जबरदस्ती करती हैं, और जो है और चार जाने के लेके गोल बना के जो है अपने भारी होती हैं और हमको परेशान करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, रोजाना उल्टा पलटा व्यंग बोलती हैं। हाँ, व्यंग बोलती हैं कि इनके पढ़ावे ना आवत है, तो हाई पढ़ावत ना हमें, तो हाई करत ना हमें, अपने लोग ना पढ़ाई बैठल रही हमके कह के पढ़ौते ना हमें, जो ये बतावल जा कि लड़का जब पढ़िए तब न पढ़ाई, हम उनके गिनती पढ़ा ना आवत है, जोड़ घटाना ना आवत है, उनके किताब पढ़े ना आवत है, हिंदी का मीनिंग को ना याद है। हाँ, व्यवहार है, वो व्यवहार स्कूल में बहुत ही खराब है। और आप जो है इसके भी पहले आप ये बताइए, बराबर वो उलझाएंगी, हमको तंग करेंगी, परेशान करेंगी, हमारा दिमाग तनाव में डालेंगी, चार आठ जाने मिलकर,
तो हमारा दिमाग कैसा रहेगा बताइए आप ही। ऐसा था कि सबका हस्ताक्षर बनाकर जो है खंड शिक्षा अधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी है, और हम वहाँ पर हम नहीं, हमको अपने में राय लेकर सबसे जो है 10 जाने को साथ लेकर और चोरी तरीके से गुपचुप तरीके से जो है सबका हस्ताक्षर बना दी और मेरा हस्ताक्षर नहीं बनवाई। इसके बाद जो है वो अखंड शिक्षा अधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी है, तो हमारे दस्तखत बाकी थी, बाद में बनी दस्तखत, देखिए दिखा रहे हैं व्हाट्सएप पर अभी खंड शिक्षा अधिकारी के व्हाट्सएप पर। ऐसा था कि हम जो है बच्चों से बहुत नम्रता से बात करते हैं, अध्यापक से बहुत नम्रता से बात करते हैं, लेकिन वो उलझाती हैं बच्चों को, गार्जियन को, सबको और स्टाफ को उलझा कर जो है हमें जो है प्रताड़ित करवाती हैं, हमें तंग करवाती हैं और झगड़ा करती हैं ज़बरदस्ती। यही हाल है, अब हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गाँव के 5 लोग कहे कि स्कूल मत आना। ये बताइए कि गांव के लोग नौकरी हमको दिए हैं कि सरकार दी है नौकरी हैं? हम गांव ही में तो पढ़ाएंगे, किसी गांव ही में न पढ़ाएंगे हाँ, तो व्यवहार नहीं, एक तरफा जो है उनके पक्ष में बोलते हैं, उनका उनके तरफ से झगड़ा करते हैं हमें ज़बरदस्ती हाँ, उनका मनोबल ऊंचा उठता है, वो जो चाहती हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, करती हैं, तो इसीलिए झगड़ा होता है। जब जबरदस्ती करते हैं हमारे ऊपर हावी होती हैं तो झगड़ा होता है। प्रताड़ित का मतलब परेशान करते हैं, जबरदस्ती करते हैं हमारे अधिकार पर, जो हमको चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और उसके लिए जो है वो हिला हवाली करती हैं, बहकाव करती हैं, झूठ बोलती हैं, बराबर झूठ नंबर एक हैं, बराबर झूठ बोलती हैं। जो लिखी हैं प्रार्थना पत्र में हैं कि विद्यालय से गायब रहते, गायब वही रहती हैं, सभी लोग गायब रहते हैं, हम ही केवल नहीं रहते हैं, लेकिन सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एक तरफा आप करेंगी हमारे ऊपर, शासन जमाएंगी, बहुत हमको प्रताड़ित करेंगी, तंग करेंगी, परेशान करेंगी, और 5 अगल बगल के 5 लोगों से झगड़ा करवाएंगी, तो कैसे होगा बताइए आप ही।